जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। सुबह के अभी 4 बज रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, उल्टा ही दिखाई देगा। 4 बज रहे हैं तो आपको करीब करीब 6-6:30 बजे तक मिल जाएगा। अब डिले इसलिए हो गया यार क्योंकि बहुत सारी वीडियोस को शूट कर रहा हूँ, तो इकट्ठे शूट करके फिर एडिटिंग में बैठूंगा मैं। तो सबसे पहला अपडेट आ रहा है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम के थ्रेड्स वाले ऐप को तो आप जानते ही होंगे, ट्विटर का कॉम्पिटिटर, मैं बताया भी था। तो ये जुलाई के 6 तारीख को रिलीज हो जाएगा, मतलब कि कल, मतलब कि आज हो गया, हो गया, हो गया। तो यारो फाइनली MKBHD के कृपा से हमें नथिंग फोन 2 का एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑन वीडियो देखने को मिल ही गया। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोगों के दिल और सपने सब टूटे, लेकिन कुछ कुछ लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन भी हैं। जैसे कि कुछ बंदे कह रहे हैं कि इस फोन को तो मैं खरीदूंगा, मेरा जिंदगी सेट हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। कुछ बंदे कह रहे हैं कि भाई इसमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। देखो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, नथिंग फोन 2 नहीं है, वो नथिंग फोन 1 प्रो है। ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लेके नहीं आ रहा है बंदा, OnePlus 11R लेकर भी जिंदगी जी लेगा। और OnePlus Nord 3 का तो अलग ही स्वैग है, एक मीम हो जाए अभी से। तो देख आराम से। देखो यार मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा भी समझते हो तो आपका दिमाग का बत्ती पक्का जलेगा। किसी भी चीज को देखकर आप बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अपना ओपिनियन रखोगे, अपने दिमाग में इस चीज को पक्का उत्पन्न करोगे। नहीं समझे, मतलब कि काल पे भैया इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं कि वो दिमाग से खेलते हैं। अब थोड़ा सा समझाता हूँ, उनके प्रोडक्ट्स को देख लो, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसमें लाइटें लगी होती हैं, तो ऐसा दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि चीज़ बवाल है, मस्त मस्त वाली चीज़ है। लेकिन एक्चुअल में वो है नॉर्मल ही, लेकिन हमको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, ये काफ़ी डीप चीज़ें होती हैं, साइको वाइको से कनेक्टेड है। तो मैं अगर समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, साइकोलॉजी थोड़ी सी समझानी पड़ेगी। तो काल भी भैया का जो प्रमोशन होता है, मार्केटिंग होता है, एकदम अलग ही लेवल का होता है, ठीक है, उसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो नथिंग फोन 2 कोई बहुत ही स्पेशल चीज नहीं है, ठीक है, वो बस एक ओवर प्राइस्ड फोन है, 43,000 रुपीज, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन एक्चुअल में आपका ओपिनियन कुछ और होगा, आपके दोस्त का ओपिनियन कुछ और होगा, जैसे मेरा कुछ और ओपिनियन है, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि सैमसंग के लिए मैं पैसा फूंक दूंगा, एप्पल के लिए भी फूंक दूंगा, लेकिन नथिंग के लिए क्यों? OnePlus 11R मेरे आपके सामने है, दैट्स व्हाई हाथ रुक जाएगा मेरा, ये मेरा है, मेरा ओपिनियन है। खैर, iQOO 11S चाइना में लॉन्च हो गया है, iQOO का सुपर फोन, इसके ऊपर वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, और सारे डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। मानो या ना मानो ये फोन काफी बवाल है। आई होप सो कि निपुण मौर्या सर इसको इंडिया में भी लेके आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मगर क्यों? Xiaomi का बहुत बड़ा लॉन्च इवेंट होने वाला है अगस्त के मंथ में, जहां पर वो अपने नए फोल्डेबल फोन को लॉन्च करेगा, अपने Xiaomi Pad 6 Max को लॉन्च करेगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो लॉन्च करेगा। ऑब्वियस ही बात है यार, Samsung Compact इवेंट जुलाई के एंड में है, अगस्त में OnePlus बाबू भी आ रहे हैं, तो Xiaomi बाबू कैसे पीछे रहेंगे, वो भी अपने नए फोल्डेबल को लॉन्च करेंगे Samsung Galaxy Z Fold 5 से भिड़ने के लिए। iQOO के महंगे वाले ईयरबड्स iQOO TWS1 ये लॉन्च हो चुके हैं, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे, भाई बहुत ही मस्त कतई कड़क स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं यार, मजा आ गया यार, मजा आ गया। Red Magic 8S Pro और Red Magic 8S Pro Plus ये दो अल्ट्रा प्रीमियम फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए थे चाइना में, सारे डिटेल्स स्क्रीन पे देख लो, बहुत ज्यादा भाई देखने में बवाल लग रहे हैं, और स्पेसिफिकेशंस भी एकदम अमेजिंग है। बंदा इस पे गेमिंग करेगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। और अभी बात खत्म नहीं होता है, Red Magic पैड भी लॉन्च हुआ है, Red Magic का गेमिंग टैबलेट, भाई गेमिंग टैबलेट लॉन्च किए हैं, और स्पेसिफिकेशंस देखो यार, कितना मजा आएगा इस टैबलेट पे गेमिंग करते हुए। यार ये Red Magic वाले अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में क्यों नहीं लॉन्च करते हैं, ग्लोबली लॉन्च कर देते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं आते हैं। ग्लोबल तक आ गए तो भाई इंडिया में भी आ जाओ यार। तो यारो फाइनली OnePlus Nord 3 और OnePlus Nord CE3 ये दोनों स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए हैं, और जो मैंने प्राइसेस बताए थे वही प्राइसेस पे लॉन्च हुए। मैंने कहा था ना CE3 25,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा, 27,000 रुपए प्राइस है, और मैंने तो OnePlus Nord 3 का प्राइस भी बता दिया था, 33,000 रुपीज़ मैंने कहा था, 34,000 रुपीज़ प्राइस है, 1,000 रुपये पीछे रहा मैं। लेकिन यार प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई है, मुझे पता है बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुए हैं, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ, रात के 12 बजे अपलोड किया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। iQOO Neo 7 Pro या फिर OnePlus Nord 3, CE3, Nothing Phone 2, OnePlus 11R, इन सारे फोन्स में जो कन्फ्यूजन है आपको क्लियर कट आंसर्स मिलेंगे, जाकर देखो सब पता चल जाएगा आपको।
OnePlus Nord Buds 2R ये भी लॉन्च हो चुके हैं इंडिया में। प्राइस काफी अच्छा मेरे भाई और स्पेसिफिकेशंस भी काफी अच्छे हैं। और मैंने कहा था ना OnePlus अपने बुलेट्स वायरलेस Z2 का ANC वर्जन भी लॉन्च करेंगे, तो उसको भी लॉन्च कर दिए हैं। इसका भी प्राइस काफी सही है। ये काफी अच्छे AIoT प्रोडक्ट्स हैं। और हाँ यार, मैं बताना भूल गया, Nothing Phone 2 के ऑफिशियल HD रेंडर्स आ चुके हैं दोनों कलर वेरियंट्स में। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो यार। इससे आपको और अच्छे तरीके से डिटेल्स पता चलेंगे, आपको और अच्छे से पता चलेगा कि सिमिलैरिटीज कितना ज्यादा है Nothing Phone 1 में और Nothing Phone 2 में। आप बताओ मुझे आपके ओपिनियंस। वैसे यार, अगर आप नहीं देखे हो तो अपकमिंग स्मार्टफोन्स का जुलाई एडिशन का एपिसोड लाइव हो गया था, एक हफ्ते पहले मैंने लाइव किया था। मिस कर दिए थे वीडियो तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा। ओप्पो रेनो 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। इन तीनों स्मार्टफोन्स के ऑफिशियल बॉक्स प्राइजेस सामने आ गए हैं। ओप्पो रेनो 10 का बॉक्स प्राइस है 39,000 रुपीज, 39,000 रुपए। ओप्पो रेनो 10 प्रो का बॉक्स प्राइस है 45,000 रुपीज, 45,000 रुपए। ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस का बॉक्स प्राइस है 60,000 रुपए, 60,000 रुपीज। देखो यार, ये बॉक्स प्राइजेस है तो हाई फाई रहेंगे। ओप्पो रेनो 10 आपको दिखाई देगा 32,000 रुपए के आसपास, ओप्पो रेनो 10 प्रो आपको दिखाई देगा 42,000 रुपए के आसपास, ओप्पो रेनो 10 प्रो प्लस आपको दिखाई देगा 55,000 रुपए के आसपास, 53,000 रुपए के आसपास। इन्हीं के आसपास इनका प्राइस होगा। वैसे भी तो एक दो दिन की तो बात है। देखो यारो, मानो या ना मानो, सितंबर मंथ में एप्पल कमाल धमाल कर देगा। आईफोन 15 सीरीज के आईफोन्स काफी कमाल होंगे अपने प्रीवियस जनरेशन से, क्योंकि भाई उनकी बैटरी की कैपेसिटीज ना बहुत ज्यादा हाई फाई है। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, MAH बहुत अच्छे हैं भाई। खास के आईफोन 15 प्लस को देखो, 5000 mAh बैटरी दे रहा है। प्रो मैक्स को देखो यार। देखो यार, अगर आपको नहीं पता तो एप्पल के आईफोन्स में बैटरी कैपेसिटीज हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एप्पल बहुत अच्छे बैटरी लाइफ दे देता है कम कैपेसिटी के साथ भी। लेकिन भाई, ये जो कैपेसिटी है ये बहुत ज्यादा यार एप्पल के नजरिए से देखोगे तो बैटरी लाइफ इस बार बहुत बवाल लेवल का होगा आईफोन 15 सीरीज के आईफोन्स में। इन्फिनिक्स हॉट 30 5G ये जुलाई के 14 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा, डेट बाहर आ गया है। वैसे ये फोन काफी अमेजिंग होगा। आपसे मैंने कहा था ना, Nothing Air 2 का ब्लैक कलर वेरिएंट भी आ रहा है, तो उसके ऑफिशियल रेंडर्स आ चुके हैं। स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, देख लो, ऐसा दिखेगा Nothing Air 2 ब्लैक कलर वेरिएंट में। ये Nothing Phone 2 के साथ लॉन्च हो जाएगा। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। तो यारो, फाइनली Iconeo 7 Pro लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइसेस, डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। देखो यारो, मुझे पता है, मैं बोला था इस फोन का प्राइस 37,000 रुपीज होगा। मुझे जो प्राइस पता चला वो कुछ हद तक सही हुआ। इसके दूसरे वेरिएंट का प्राइस 37,000 रुपीज है, लेकिन जब मैंने देखा कि ये फोन 35,000 रुपीज से भी कम प्राइस पे अवेलेबल है, ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यार। OnePlus Nord 3 से भी बहुत अच्छा है। ये काफी एडवांटेजेस दे देता है OnePlus Nord 3 से कंपेयर करोगे तो। अगर आपको केवल परफॉर्मेंस से मतलब है, गेमिंग करना है, तो भाई आंख मूंद के जाके इस फोन को खरीद लो, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी और चीज को रखते हो, आपकी और भी चाहते हैं, जैसे कि आपको थोड़े अच्छे कैमरा चाहिए, कलर ओएस वाला प्यार चाहिए, आपको ऑक्सीजन ओएस दे देगा, और आपको थोड़ा सा अच्छा आफ्टर सेल सर्विस चाहिए, अपडेट्स आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, और कर्व डिस्प्ले से प्यार है, फ्लैगशिप फोन को चलाना चाहते हो और प्रीमियम महसूस करना चाहते हो, तो 11R की तरफ जाओ। लेकिन ये फोन बहुत अच्छा है भाई, इसको भी खरीदोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आई बटन पे आपको एक वीडियो दे दूंगा, क्लिक करके देखना, समझ जाओगे। मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुका है और वीवो टॉप पे है मेरे भाई। अगर आप वीवो X90S के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, वीडियो बना दिया था मैं, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना, सब पता चल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हमें सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।